हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 13 सुमिरी के मन के का पार्ट फर्स्ट, पालक बच गया। एक पाठशाला का वार्षिक उत्सव था, मैं भी वहां बुलाया गया था। वहां के प्रशासन अध्यक्ष का एक मातपुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष थी, बड़े लाड़ के नुमाइश में मिस्टर हादी के कोहलू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफ़ेद थीं, दृष्टि भूमि से उठती ही नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उसका वह उत्तर दिए जा रहा था। धर्म के 10 लक्षण वह सुना गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उसे मछली की प्राण रक्षा को समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कह गया। और इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशावरों का कुशीर नाम सुना गया। यह पूछा गया कि तुम क्या करेगा। बालक ने सीखा सिखाया उत्तर दिया, मैं लोक सेवा करूँगा। उसके पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा, जो तुम इनाम मांगते हो वही दे, बताओ क्या मांगते हो। पिता और अध्यापक चिंता में लगे। देखें, यह पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खासकर गला साफ कर नकली प्रदीप के हट जाने पर स्वर विस्मय होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू, हाँ लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय से मेरा सांस घुट रहा था, अब मैं चैन से सांस ले सकता हूँ। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोटने में कुछ उठा नहीं रखा था, पर बालक बच गया। उनके बचने की आशा है, क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरम था। मेरे कंठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं।